दोस्तों, आज का जो वीडियो है, हर स्मार्टफोन यूजर इस प्रॉब्लम को फेस किए होंगे, क्योंकि हर स्मार्टफोन में क्या होता है कि हम लोग एक दो साल यूज करते हैं, उसके बाद उसमें ख़राबी आनी शुरू हो जाती है। और फिर सबसे पहले जो ख़राबी आती है वो आती है चार्जिंग की। ये दोस्तों ओप्पो का एक फ़ोन है जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है, 3G फ़ोन है ये। और ये देखो, इसे मैं जब ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। इसका स्विच मैं ऑन करने का प्रयास कर रहा हूँ बट ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था और इसकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई है। ये देखो, यहाँ पे इसका पावर बटन है, मैं पुश कर रहा हूँ तो वाइब्रेट तो कर रहा है बट ऑन नहीं हो रहा है। वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब है कि स्टैंड बाय मोड में होना चाह रहा है मोबाइल, बट ये ऑन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैटरी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। बैटरी जब डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, चलिए एक बार इसको चार्ज में लगा के देखते हैं। जैसा कि इस फ़ोन का जो ऑनर है, उन्होंने कहा कि जब इसे चार्ज में लगाते हैं तो फिर किसी तरह हिला डुला के इसका जो पिन है, माइक्रो पिन, वो किसी तरह अगर सेट हो गया तो फिर चार्ज होना शुरू हो जाता है। बट अगर आप इसे 2 घंटा लगा के छोड़ देते हो तो फिर पता चला कि भाई ये तो हिल गया पिन इसका और चार्ज ही नहीं हुआ। तो 212 वोल्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे करंट भी हमने चेक कर लिया ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि यहाँ तक तो करंट आ रहा है। तो अब सबसे पहले एक चार्जर लेते हैं। ये देखो, चार्जर हमने लिया और इसे कनेक्ट करते हैं। तो इसे एसी के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं, पिन को डालते हैं तो ऑपोजिट साइड से पिन लगेगी। और ये हमने इसे इन किया और ये देखो, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। इसे कुछ देर तक छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर डीप डिस्चार्ज हुआ है दोस्तों तो आपको थोड़ा देर छोड़ना पड़ेगा, इसी तरह से छोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट ये ऑन नहीं होगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है कि जब हम इसके पिन को हिलाते हैं तो ये हिलता है। ये थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पे जब हम हिलाते हैं, ये शायद पता नहीं आपको दिख रहा है क्या नहीं, बट यहाँ पे जो है माइक्रो पिन हिलता है और हिलने की वजह से कनेक्टिविटी सही से नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रॉब्लम को लेकर सर्विस सेंटर जाओगे तो वो सीधे इसका जो सॉकेट है वो बदल देगा, और उस पर वो काफ़ी हैवी चार्ज करेगा। सॉकेट बदलने का अप्रोक्स वो 400-500 रुपया तो निश्चित है कि बिल बनाएगा। और पता चला कि भाई सॉकेट बदलने के क्रम में आपका मोबाइल को सॉफ्टवेयर भी मारना पड़ा, उसके लिए अलग से 200-300 रुपया का बिल बनेगा, यानी 1000 रुपया का बिल आपका बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ। इससे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको इसका जो पिन है इस तरह से रख देना है किसी मजबूत चीज़ के ऊपर और उसके बिल्कुल बीच में। ये देख लो, ये इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल बीच में एक पेचकस रखना है और इस तरह से हाथ से ही मारना है। तो हाथ से धीरे धीरे पुश करना है, धीरे धीरे मारना है, यानी झटके के साथ मारना है। ये इस तरह से थोड़ा ऐसे देना मारना है कि इसका जो स्टील है उस पर झटका लगे और उसके अंदर जो प्लास्टिक की कवर है उस पर भी झटका लगे। और ये जो आप देख पा रहे हो, इसके दोनों ओर एक क्लिप सी बनी हुई है, छोटा छोटा जो क्लिप बनी हुई है उसे भी हमें नाखून से उखाड़ना है। या आप चाहो तो, अगर नाखून बड़ी नहीं है तो आप इसमें सुई वगैरह या सेफ्टी पिन से आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर दो, क्योंकि जो हम चार्जिंग पिन को लगाते हैं तो अटकता इसी के थ्रू है, यानी इसी के सहारे वो पिन फंसा हुआ रहता है। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि इसका जो सपोर्टिंग है, जो पिन फंसता है हमारा वो सॉकेट के साथ, वो कनेक्टिविटी थोड़ा टाइट हो जाए। और ये देखो, हमने कर दिया है। और दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि ये इस पर आप प्लास वगैरह से मत चापना, नहीं तो फिर ये इसका अंदर का जो पिन वगैरह है वो सब टूट जाएगा और फिर ये काम बिल्कुल से भी करना बंद कर देगा, यानी दूसरा चार्जर भी, दूसरे मोबाइल पर भी ये काम करना बंद कर देगा। इस तरह से आप हाथ से भी ताकत लगा के कर सकते हो, बट इस पर प्लास का उपयोग बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है दोस्तों। अगर ये फॉल्ट आपके मोबाइल में हो रहा है तो आप हमारा जो आइडिया है ये बिल्कुल काम करेगा। ये देखो, ये मोबाइल डीप डिस्चार्ज है, इस वजह से बिल्कुल इम्पिट दिख रहा है। ये देखो, जब मैं इसे लगाऊंगा तो फिर से यही बात इसमें दिखेगा। ये देखो, बैटरी लो और रेड कलर से लिख रहा है, बट इसे जब थोड़ा देर लगा के छोड़ देंगे तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखो इमीडिएट से ग्रीन हो गया, क्योंकि मोबाइल अभी ऑफ़ कंडीशन में है और ऑफ़ कंडीशन में मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। तो इसे ऑन करने का भी प्रयास करते हैं, जैसे ही ग्रीन हुआ यानी अब मोबाइल ऑन हो जाएगा। देखते हैं ऑन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखो, ओप्पो का जो डिस्प्ले है, कंपनी अपना जो लोगो लगाती है, वो तो आ गया। और काफ़ी दिनों से ये मोबाइल पड़ा हुआ था और डेड कंडीशन में था, लग रहा था कि ये मोबाइल भी ख़राब हो चुका है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ इसकी चार्जिंग पिन की फॉल्ट के कारण ये मोबाइल डेड पड़ा हुआ था
और ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। हम लोग जो माइक्रो सॉकेट होता है उसे निकालने या डालने में थोड़ा सा हाथ इधर उधर कर देते हैं, इस वजह से अंदर का पिन या फिर हमारे चार्जर का जो पिन है वो दोनों में से कोई एक मिस कर जाता है और फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखो अभी 10% मोबाइल चार्ज हुआ है, तो इसे चार्ज होने में, ये पुराना मॉडल है तो निश्चित है कि 2-3 घंटा तो चार्ज होने में लग ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।